1960 में जब भारत पड़ोसी देश की चालबाजियों का शिकार हुआ तो सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि युवाओं को सेना में भर्ती होना चाहिए। सरकार का ये ऐलान सुनते ही सरबजीत सिंह पेंटल, जो उन दिनों जमशेदपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ सेना में भर्ती हो गए। सेना की जिस यूनिट में सरबजीत भर्ती हुए उसके इंचार्ज इनके सगे चाचा ही थे। इनके खानदान से कई लोग उन दिनों भारतीय सेना में बड़े पदों पर तैनात थे। जब चाचा ने इन्हें सेना में देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो। सरबजीत ने जवाब दिया कि मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि या तो फौज में नौकरी करूं या फिल्म लाइन में जाऊं। फिल्मों में आप लोग भेजते नहीं, पिताजी ने इंजीनियरिंग करने भेज दिया लेकिन मेरा वहां बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, मगर जब सेना के लिए जवानों की ज़रूरत पड़ी तो मैं यहां आ गया। खैर, सरबजीत सिंह जब सेना में थे तो इन्होंने दो जंगों में देश की सेवा की, 1962 के भारत चीन युद्ध में और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये भारत की तरफ से शामिल हुए। युद्ध खत्म होने के बाद सरबजीत सिंह फिर से इंजीनियरिंग पूरी करने जमशेदपुर आ गए। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद इन्होंने कुछ वक्त तक एक कंपनी में नौकरी भी की। उसी नौकरी के दौरान इनका तबादला मुंबई में हुआ। जब ये मुंबई पहुंचे तब इनके छोटे भाई कवलजीत पेंटल भी FTII से पास आउट होकर मुंबई पहुंच चुके थे और उन्हें कुछ फिल्मों में बढ़िया किरदार भी मिल गए थे। कवलजीत पेंटल जानते थे कि भाई सरबजीत का मन भी एक्टिंग में ही लगता है। दोनों भाई बचपन से साथ में छोटे छोटे नाटक जो करते थे। कवलजीत जी ने ही उन्हें सलाह दी कि आप ये नौकरी छोड़कर फिल्म लाइन में ही आ जाइए। सरबजीत तो चाहते ही थे कि वो भी फिल्म लाइन से जुड़े, इसलिए भाई के कहने पर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर छोटे भाई कवलजीत पेंटल, जो अब तक पेंटल के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो चुके थे, उनकी सिफारिश पर डायरेक्टर HS रवेल ने सरबजीत पेंटल को अपना असिस्टेंट बना लिया। साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सरबजीत पेंटल का फिल्मी करियर भी शुरू हो गया। सरबजीत पेंटल उर्फ गूफी पेंटल साहब का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1944 को लाहौर में। इनके पिता लाहौर के मशहूर पांचोली आर्ट्स स्टूडियो में कैमरामैन हुआ करते थे, मगर विभाजन के बाद जब वो भारत आए तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम ना मिल सका, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्म लाइन में जाने के बारे में भी सोचे। हालांकि ये भी जाने लायक बात है कि सरबजीत पेंटल को तो उन्होंने इंजीनियरिंग करने जमशेदपुर भेज दिया, मगर छोटे बेटे कवलजीत पेंटल को उन्होंने ही पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भेजा था। मुंबई में जब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सरबजीत पेंटल जी का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ तो साथ ही साथ इन्हें फिल्मों में बहुत छोटे छोटे किरदार निभाने के मौके भी मिलने लगे। उसी दौरान कुछ प्रिंट विज्ञापनों में भी इनकी तस्वीरें छपने लगी। HS रवेल के साथ कुछ वक्त तक काम करने के बाद गूफी पेंटल साहब बतौर एसोसिएट डायरेक्टर BR फिल्म से जुड़ गए। वहां रहकर इन्होंने ना सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर बल्कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग और कास्टिंग डायरेक्टर की हैसियत से भी काम किया। उन दिनों BR चोपड़ा महाभारत बनाने की तैयारी कर रहे थे। गूफी पेंटल जी का काम था कि हर किरदार के लिए एक्टर्स का ऑडिशन लेना और उनमें से चुनिंदा एक्टर्स के ऑडिशंस BR चोपड़ा को दिखाना। चोपड़ा साहब तय कर चुके थे कि कौन सा कलाकार महाभारत के लिए फिट रहेगा। महाभारत के शकनी मामा का रोल भी गूफी जी नहीं निभाने वाले थे। उन्होंने तो 3 एक्टर्स को शकनी के रोल के लिए फाइनल किया था। उन तीनों में से कौन महाभारत का शकनी होता ये BR चोपड़ा को तय करना था। BR चोपड़ा ने वो तीनों ऑडिशन देखे और गूफी जी से कहा कि वो बाद में बताएंगे कि इन तीनों में से किसे महाभारत में शकनी के रोल में लेना है। अचानक एक दिन गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह का सीन शूट होने की तैयारियां होने लगी। गूफी जी घबरा कर BR चोपड़ा के पास आए और बोले कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपको उन तीनों में से कौन सा एक्टर शकुनी के रोल के लिए पसंद आया।
बीआर चोपड़ा बोले, ये रोल हमने तुम्हारे लिए रखा है, तुमसे अच्छा ये रोल कोई नहीं निभा सकता। गूफी पेंटल हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बीआर चोपड़ा उन्हें महाभारत का इतना बड़ा रोल ऑफर करने जा रहे हैं। और इस तरह गूफी पेंटल ने शकुनी का किरदार निभाया और इस किरदार को उन्होंने हमेशा के लिए अमर कर दिया।